गाइस मैं अपनी जॉब से परेशान हो चुका हूँ। मेरा बॉस मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाता है और मुझे सैलरी तो बहुत कम देता है। मन करता है उस बॉस को इतना मारूं ना। ए, क्या हुआ, कितना काम किया तूने? सर हाँ थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं। मुझे टास्क दिया था, तूने किया क्या? हाँ सर किया। हाँ इसी तरह काम करते रहो, आलसी हो एक नंबर के तुम। देखे गाइस मैं रोज काम करता हूँ बट ये बॉस मुझे गुस्सा दिलाते रहता है बार बार। मैं तो सोच रहा हूँ ना मैं जॉब क्विट कर दूँ, पर क्विट करने से पहले हम लोग थोड़ी तो मस्ती करके जाएंगे, इसकी सारी आइसक्रीम खा लूंगा मैं। जा जो करना है कर ले भाई। वाओ ये आइसक्रीम कितनी अच्छी है, बबल गम वाली तो खा लिया, मैं चॉकलेट वाली खाऊंगा। कितनी अच्छी है भाई, सब खा लूंगा मैं, बर्थडे केक भी है, ये जो विंटू पिंटू चुप जो भी चिप है मिंट चिप सब खा लूंगा। वे, ये क्या कर रहा है तू? अरे कुछ नहीं सर, वो बस मैं देख रहा था कि आइसक्रीम फ्रेश तो है ना थोड़ी, क्योंकि अभी मुझे डिलीवरी करने जाना है ना। तो सब आइसक्रीम खाकर देखते है क्या? काम का नहीं है तू, कस्टमर आया है, इसको देख, चला भी गया तेरी शक्ल देखकर, कुछ काम का नहीं है तू। गाइस अभी बहुत हो गया, मैं इस जॉब को क्विट कर रहा हूँ। अब बॉस को बुलाकर देखना मैं उसकी इतनी बेइज्जती करता हूँ ना। ए बॉस क्या हो गया इधर आप? अरे अरे क्या बोल रहा है, जॉब से निकाल दूंगा तुझे। मैं निकल चुका हूँ जॉब से, मुझे तेरी जॉब चाहिए नहीं, एक नंबर की बकवास जॉब है। अरे बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, चल अभी मैं चुप नहीं हूँगा, मैं तेरे पूरे शॉप में तबाही मचा दूंगा, तेरा पीसी फोड़ दूंगा देख ले। देख तू जॉब तो क्विट कर देगा बट पैसे कहाँ से कमाएगा? आखिर तुझे घूमकर मेरे पास ही आना है, अभी बोल ले जितना बोलना है, मैं उसका नया रास्ता फाइंड कर लूंगा। हाँ तो निकल मेरी दुकान से। मुझे तो रुकना भी नहीं है तेरी फालतू दुकान में, याद रखना एक दिन है ना मैं मिलियनर बन जाऊंगा और तेरी पूरी दुकान को खरीदूंगा। हाँ वो देख लेंगे बाद में, अभी निकल चल। गाइस मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दिया बट मुझे पता नहीं मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, मुझे एंड में जाके इसके शॉप पर नहीं आना है, मुझे कोई नया वे फाइंड करना होगा यार। चलो गाइस अभी हम लोग जॉब की खोज में चलते हैं, किसी एक जगह तो मिल जाएगी शॉप हमें। और ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर, तू जॉब देगी क्या मुझे? सर क्या मुझे इधर जॉब मिल सकती है पुलिस स्टेशन में? भाग, तेरे लिए ये सब जॉब नहीं है, निकल। अरे भाई इसने तो मुझे भगा दिया, कोई बात नहीं कोशिश करते रहेंगे हम लोग। सर इधर मुझे जॉब मिल सकती है? मैंने तो सुना है कि आइसक्रीम शॉप वाले ओनर ने तुझे निकाल दिया, और मैंने ये भी सुना है कि तू कुछ काम का नहीं है, सॉरी मैं तो तुम्हें नहीं ले सकता। यार इसने ही भगा दिया मुझे। गाइस मुझे ना अभी बहुत ज्यादा भूख लगी है, पता नहीं मैं नाइट कैसे सरवाइव करूंगा। आपको कहाँ देखा हुआ है सर? भाई क्या जीप है, और कैसा है भाई, क्या सही वाली जीप है। आप इस सिटी में क्या कर रहे हो? मैं भी तो इस सिटी में ही रहता हूँ, और तू ऐसा क्यों घूम रहा है इतनी रात में? क्या करूँ भाई, एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी है। चल एक काम कर, मेरे साथ कार में बैठ जा, मैं तुझे जॉब दिलाऊंगा। थैंक्स भाई। वैसे भाई हम लोग जहाँ कहाँ रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग मेरे घर पर जा रहे हैं। ओ भाई क्या घर है आपका? सिर्फ ये $5 million का ही है, ज्यादा नहीं। ये तो बहुत महंगा है यार। अरे सस्ता है, क्या महंगा इसमें भाई, आप तो बहुत रिच हो। अरे नहीं भाई मैं अभी भी बहुत गरीब हूँ। आजा तुझे मैं अपने हाउस का टूर देता हूँ, ऊपर आ जा। देख आज के लिए तू इस रूम में रह जाना। ओ भाई क्या रूम है ऐसा, चलेगा ना? पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। नहीं यार एक्चुअली थोड़ा सा छोटा सा रूम है, चलेगा ना तुझे? भाई बिल्कुल चलेगा। और आजा दूसरे रूम में, ये मैंने रूम ऐसे रखा है इसमें मेरे को कभी मन करता तो मैं आकर लेटता हूँ और अपना काम भी कर लेता हूँ कभी कभार। और ये वाला है मेरा मेन रूम। एक सेकंड भाई इधर रहो, मुझे एक्सप्लेन करो विंडो क्यों नहीं बंद है इधर। अरे ये वो वाली क्लास है, हम लोग को बाहर से कोई नहीं देख सकता। चलो अभी और किधर जाते, चलो मॉर्निंग हो चुकी है, अभी हम लोग तेरे लिए एक न्यू जॉब ढूंढने आएंगे। ये लेट्स गो। मैं सोच रहा हूँ 2-3 फरारी भी खरीद लूँ, ये जीप से मैं बोर हो चुका हूँ, मैंने अपने लिए ये वाला एरोप्लेन बुक करके रखा है। माई गॉड ये अभी तक रेडी हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा मुझे। वैसे भाई आप मुझे जॉब कहाँ देने वाले हो? मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली शॉप खरीद लेता हूँ तेरे लिए, ज्यादा महंगी तो होगी नहीं, और फिर तू यहाँ पर कार को इम्पोर्ट करना और बेचना, फिर देखना तू भी मिलियनर बन जाएगा इजिली। बट देख इसके लिए एक कंडीशन है। क्या? तेरी जितनी भी अर्निंग होगी उसमें से 50% मेरा और 50% तेरा, क्या बोलता है, डील पक्की? चलेगा भाई। चलो मैं इसके ओनर से बात कर आता हूँ। हाँ हाँ बात कर लो। ओके मेरी बात हो चुकी है, इस दुकान को मैंने $5 million में खरीद लिया है। भाई कुछ ज्यादा ही महंगा यार। एक्चुअली शॉप $1 million की है, मैंने 4 million बाकी के इसको टिप दे दिया। 4 million कौन टिप देता है भाई? चल रुका क्यों है, तेरी शॉप है आज से। okay. ओनर भाग गया। अरे भाई ये बंदा आया है, इसे बताओ क्या करना है। इसे ये बाइक चाहिए ग्रीन वाली, ये आपको पड़ेगी $500K। अभी तो हम लोग बहुत रिच होने वाले।
हेलो सर। हेलो, क्या आपके इधर मुझे इम्पोर्टेड कार मिल सकती है? हाँ हाँ सर, मिल सकती है, बट पहले मुझे इम्पोर्टेड कार को इम्पोर्ट करना होगा इधर। सर खाली एक दिन लगेगा। अच्छा ठीक है, मुझे कल तक चाहिए। Meanwhile, गाइस ये देखो, ये हमारी वो स्पोर्ट्स कार जो कि हम लोग ने इम्पोर्ट की है, और थोड़े टाइम बाद वो बंदा इस कार को लेने आ जाएगा और हमें $1 million मिलेंगे। सोचो गाइस, हम लोग 2 दिन में मिलियंस की डील कर रहे हैं। चलिए थैंक यू सर, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय सर। गाइस ये हमारा फर्स्ट कस्टमर था, एंड पहली बार में ही $1 million। अभी ना मैंने एक चीज प्लान किया है, सोच सकते हो क्या? मैं जी गेमिंग उस आइसक्रीम शॉप को खरीदने वाला हूँ जिसमें मैं काम करता था, और उस जॉब ओनर को उसकी ही दुकान से निकाल दूंगा। एंड ऑल्सो गाइस, भाई ने ना मुझे एक बाइक गिफ्ट किए थे। ये है वो बाइक। बाइक वीडियो यार बहुत अच्छी है बाइक। A few minutes later, फाइनली मैं आ गया उस आइसक्रीम शॉप पर। अबे तू फिर से आ गया, और इस बार बाइक पे आया? किसकी चोरी करके आया इतनी अच्छी बाइक? अरे मेरी बाइक है। चल झूठे, इस बार तुझे जॉब नहीं मिलने वाली है, मैंने बोला था तू मेरे पास फिर से आएगा। मुझे तेरी जॉब की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस दुकान को खरीदने आया हूँ। कितने में? $2 में। हाँ कभी जिंदगी में $2 भी कमाया क्या खुद से? मैं इस दुकान की $1 million देने आया हूँ, समझा? क्या? अबे $1 million इतना? हाँ सर। सर प्लीज बैठिए बैठिए, आप पहले सीट पर बैठिए, मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। और सर लाइफ कैसी चल रही है? अभी तू मुझे मस्के मार रहे हैं? अरे नहीं सर, मेहमान नवाजी कर रहा हूँ, आप हमारे कस्टमर है। $1 million भी देने वाले? ये कैसी सर्विस है? आइसक्रीम अभी तक नहीं आई? सॉरी सर, वो आपने उस दिन खा ली थी ना सब, इसलिए नहीं आ पाई। ये लो तुम्हारे $1 million और खुश रहो। ओ भाई मजे हो गए अभी तो। सर ठीक है मैं चलता हूँ अभी। हाँ बाय बाय, आप खुश रहिए अपनी दुकान में। देखा गाइस कैसे मैं जीरो से हीरो बन गया। अभी मुझे एम्प्लॉय हायर करने होंगे, इस दुकान को चलाना है, और पैसा ही पैसा होगा। A few moments later. Are you ready guys? ये है मेरा घर। इस घर को मैंने $1.5 में खरीदा है। अरे सॉरी आई मीन $1.5 million में। अरे ये देखो क्या कोइंसिडेंस है, इधर भी रेन हो रही है, मेरे यहाँ पर भी रेन हो रही है। चलो मैं आपको घर का टूर करवाता हूँ। पहले तो ये है मेरा घर, मतलब मेरा किचन है इधर। पहले तो इधर है मेरा हॉल, यहाँ पर मैं आराम से बैठ कर टीवी देख सकता हूँ। पर ये बंदे को हो क्या रहा है भाई, रेस्ट कैसे कर रहा है? इधर है हमारा गैराज, और कोई पूछेगा नहीं कि वॉशिंग मशीन क्या कर रही है इधर। ये हमारा बाथरूम, एंड ये बैक साइड का डोर है, और यहाँ पर एक गार्डन है छोटा सा। ऊपर में यहाँ पर 2 दरवाजे हैं। ये मेरा वर्क रूम है, यहाँ पे मैं गेम्स खेलता हूँ। आके हम लोग वर्क रूम में गेम्स खेलते हैं, देखे गाइस। और ये मेरा मेन बेडरूम, यहाँ पर मेरा लॉकर है। इस घर के अंदर CCTV कैमराज भी है, और यहाँ पर लॉक भी हो सकता है। देखो मैं खोल नहीं पा रहा, और अभी मैं मस्त जा सकता हूँ। ये घर एकदम फुल्ली फंक्शनल है। इधर मैं गैराज ओपन क्लोज कर सकता हूँ। लेट्स गो। इधर मैंने अपनी बाइक पार्क कर दिया, और हाँ हम लोग घर के विंडोज को भी क्लोज कर सकते हैं ऐसे। आज मैं मिलियनर बन चुका हूँ। हम लोग ने हमारे बॉस को भी रुला दिया था, देखा कैसे मस्के मार रहा था वो। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।